गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू इंग्लिश चैप्टर मदर्स लव। आज हम अपना नया इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मदर्स लव। इस चैप्टर के अंदर दो बच्चे होते हैं। मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले क्या है इस चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी। इस चैप्टर के अंदर दो बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं एक दूसरे के, और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा दूसरे दोस्त के साथ रहूं। दूसरा दोस्त चाहता है कि मैं हमेशा उस दोस्त के साथ रहूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। मुकुल वॉज अ लिटिल बॉय, मुकुल एक छोटा बच्चा है। ही लव टू प्ले, वो खेलना बहुत पसंद करता है। हिज फ्रेंड जॉन लिव नेक्स्ट डोर, उसका एक दोस्त है जॉन जो अगले ही घर में रहता है। मुकुल एंड जॉन लाइक ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दे प्ले टुगेदर एवरी डे, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जॉन टॉक टू हिज मदर अबाउट द फन ही ऑलवेज हैड एट मुकुल्स हाउस, जॉन को अपनी माँ से हमेशा बात करते हुए बहुत मजा आता है। जो बताता है कि वो मुकुल के साथ खेलने में उसको कितना मजा आता है। मुकुल टॉक टू हिज मदर अबाउट जॉन्स हाउस ऑल द टाइम, और ऐसे ही जब मुकुल होता है अपने घर पे जाके अपनी मम्मी से जॉन के बारे में बात करता है, यानी दोनों दोस्त एक दूसरे के घर पे जाके एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं। मम्मी जॉन्स मदर कुक सच ए टेस्टी फूड, मम्मी मुकुल कहता है कि जॉन की जो मदर है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अब आप सभी की मम्मा भी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना, किस किस की मम्मा अच्छा खाना बनाती है। जॉन हैज सच लवली टॉयज, जॉन के पास बहुत अच्छे खिलौने हैं। ही हैज स्विंग इन हिज लॉन, उसके ग्राउंड के अंदर गार्डन के अंदर क्या है, एक झूला है। आई लाइक स्विंगिंग, मुझे झूलना बहुत पसंद है। ये कौन कहता है, ये मुकुल कहता है अपनी मम्मी को कि जॉन क्या है, जॉन के पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, उसके घर में क्या है एक झूला है और मुझे झूलना बहुत अधिक पसंद है। ये जॉन कहता है, मुकुल कहता है सॉरी अपनी मम्मी को। वन डे मुकुल मदर स्माइल एंड सेंट, एक दिन मुकुल की जो मदर थी वो क्या स्माइल किया, उसने मुस्कुराई वो और कहा, वाई डोंट यू गो टू जॉन्स हाउस, तुम जॉन के घर पे क्यों नहीं चले जाते एंड स्पेंड एज मच टाइम एज यू वांट टू विद हिम, और उसके साथ जितना चाहो उतना समय क्यों नहीं बिताते। मुकुल वॉज वेरी मच एक्साइटेड, मुकुल जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, इस बात को सुनकर कि उसकी माँ ने उसको बोला है कि वो जाके जॉन के साथ पूरा टाइम बिता सकता है, तो इस बात से मुकुल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुकुल मदर पैक हिज थिंग्स इन स्मॉल बैग, मुकुल की मदर ने क्या किया, उसकी सारी चीज़ों को छोटे से बैग में पैक कर दिया। ठीक है, तो मुकुल क्या था अभी, मुकुल तैयारी कर रहा था कहाँ जाने के लिए, जॉन के घर पे अपना पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, मुकुल टुक द बैग एंड रेन डाउन द रोड टू जॉन्स हाउस, मुकुल ने बैग उठाया और जॉन के घर पे पहुंच गया। जॉन वॉज वेरी हैप्पी टू सी मुकुल, जॉन जो था बहुत खुश हुआ क्या देख के, मुकुल को देख के। ही हग हिम एंड सेड कम इन मुकुल, उसने उसको गले लगाया और बोला मुकुल अंदर आ जाओ। व्हाट इज इन द बैग, इस बैग के अंदर क्या है, हैव यू ब्रॉट टॉयज टू प्ले, क्या तुम खिलौने लेके आए हो खेलने के लिए। नो इट हैज माई क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, इसमें मेरे कपड़े और दूसरी चीजें हैं। आई हैव कम टू स्टे विद यू फॉर सम डेज, यानी मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। मुकुल सेड, ये किसने कहा, मुकुल ने कहा। गुड, बहुत अच्छा, देन वी कैन प्ले टुगेदर ऑल द डे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा दिन खेल सकते हैं। द टू फ्रेंड्स प्लेड फॉर सम टाइम देन दे रीड अ बुक एंड वॉच टेलीविजन, दोनों दोस्त कुछ समय के लिए खेले फिर टीवी देखा, इसी तरीके से उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। सून इट वॉज नाइट एंड मुकुल टाइम फॉर डिनर, अब रात का समय था और डिनर का टाइम था, बट मुकुल वॉज नॉट हंगरी, मुकुल जो था वो भूखा नहीं था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ईट, वो खाना नहीं चाहता था, और क्यों नहीं चाहता था वो अब आगे पढ़ेंगे हम। आई एम मिसिंग माई मदर, मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक टू होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई मदर, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। बाय जॉन ही सेड एंड रन बैक टू होम, उसने जॉन को बाय किया और वो घर भाग गया। अब यहाँ पे पता चलता है जब आप अपनी मम्मा से दूर जाते हो तो आपको मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है। When मुकुल reached home, he went to his mother's room, जब मुकुल वापस आया तो भाग के अपनी मम्मा के रूम में गया। मम्मी आई हैड फन प्लेइंग विद जॉन बट आई मिस यू अ लॉट, यानी मैंने जॉन के साथ बहुत खेला बहुत मजा आया लेकिन मुझे आपकी भी बहुत ज़्यादा याद आई। सो आई हैव कम बैक होम, इसलिए मैं घर वापस आ गया, मुकुल ने कहा।
आई एम हैप्पी यू हैव कम बैक, मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आए। आई मिस्ड यू टू, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। सेड हिज मदर, किसके मदर ने कहा? मुकुल की मदर ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम वापस आए और मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। मुकुल हैड डिनर एंड गोट इन टू हिज बेड, मुकुल ने खाना खाया और वो अपने बेड पे चला गया। सून ही फेल एस्लीप, और वो बहुत जल्द सो गया। ही हैड अ हैप्पी स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान थी। तो आप सभी को भी बताना है कि आपकी मम्मा आपको कितना प्यार करती है, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अपनी मम्मा को भी ये चैप्टर समझाना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है? थैंक यू।